नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। जवान 2023 में शाहरुख साहब की फिल्म आने वाली है जिसका नाम है जवान। इस फिल्म के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इसका फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है। मैं तो कहूँगा कि वो टीज़र था, बेसिकली हमें टीज करने के लिए रिलीज किया गया था। अब इसकी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है दोस्तों। शाहरुख साहब ने अपने पोर्शन शूट किए हैं, लगभग 70% फिल्म शूट हो चुकी है। बाकी की जो बची है वो फिल्म दोस्तों शाहरुख साहब जब लंदन से वापस आ जाएंगे तब शूट होगी। जवान की जहां तक बात करें तो जवान में आखिरकार म्यूजिक कौन दे रहा है और आखिरकार म्यूजिशियन ने क्या बोली है बात किंग खान के लिए, इस वीडियो में आपको बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अनिरुद्ध रविचंद्रन जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक सेंसेशन बन चुके हैं, उनकी म्यूजिक वेव्स अब बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है और ये उनकी बॉलीवुड की पहली बड़ी फिल्म है। और यहां पर दोस्तों अनिरुद्ध ने ये बड़ी बात बोल दी है शाहरुख खान के बारे में कि ही सो हम्बल। जी हाँ, कोलावरी डी सक्सेसफुल उनका था एक गाना और उसकी वजह से उन्होंने बोला कि मैं पहले सोचता था कि शायद जस्ट बिकॉज लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर बन जाती है, इस वजह से जो है नहीं हो पाती हैं चीज़ें और गाने इतने फेमस नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब से OTT आया है तब से क्या कोई भी लैंग्वेज का ले लीजिए, हर लैंग्वेज में वो हिट है और वो कंटेंट हर लैंग्वेज में जाता है। अगर बात करें तो इंस्टाग्राम रील्स ले लीजिए, टिकटॉक, ये वो माध्यम है जिन्होंने इस तरीके से पॉपुलैरिटी को बढ़ाया है। यहाँ पर दोस्तों अनिरुद्ध ये बात बोलते हैं कि शाहरुख खान साहब से मैं मिला एक बार और मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है और उन्हें मेरा काम बेहद पसंद आया है। दोस्तों अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जवान का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी तगड़ा आया था, राइट? तो ऐसे में कहूँगा कि अनिरुद्ध ने कुछ ना कुछ जस्टिस किया है और अनिरुद्ध आगे भी करेगा, मुझे यही पूरी उम्मीद है। आपको क्या है कहना ज़रूर बताएं। चलता हूँ मैं, अपना ख्याल रखें।